नमस्कार, यह प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क में हूँ आपके साथ रजत दीक्षित। मैं इस वक्त प्रगति मैदान में बुक फेयर के अंदर मौजूद हूँ और इस वक्त मैं MBD स्टॉल के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ उसी के डायरेक्टर प्रवीण जी मौजूद हैं। सर, आपका प्रभा साक्षी पर स्वागत है। सर, पहले तो बताइए MBD ग्रुप मतलब ये किस, इस ग्रुप के बारे में पहले थोड़ा बताइए। सर, हमारा ग्रुप को 64 साल हो चुके हैं अभी तक और हम एजुकेशनल बुक्स बनाते हैं बच्चों के लिए। और एजुकेशन में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या लर्निंग मटेरियल हो या ICT से रिलेटेड कुछ कंटेंट हो, वो हम क्रिएट करते हैं। तो मतलब किस क्लास की मतलब बुक्स हैं? हम लोग नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की किताबें बनाते हैं और डिजिटल कंटेंट बनाते हैं और वो काफ़ी 13 भारतीय भाषाओं में हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। 13 लैंग्वेजेस में और 5 फॉरेन लैंग्वेजेस में हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। हमारी कंपनी के 2 ऑफशोर ऑफिसेस हैं, एक साउथ अफ्रीका में जहाँ से हम अफ्रीका को केटर करते हैं और एक श्रीलंका में। तो मतलब जितनी भी मतलब बुक्स बनाते हैं वो मतलब कॉमिक्स टाइप की रहती हैं या लर्निंग की या कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल्स बुक्स रहे, किस टाइप की मतलब बुक्स मतलब रहे? सर, हमारी बुक्स मेजर टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो स्कूल के बच्चे करिकुलम पे यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी हेल्प बुक्स होती हैं जो बच्चे आफ्टर स्कूल आवर्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग्स वगैरह या कोई स्टोरीज वगैरह की। जो हम लोग सारे सब्जेक्ट्स की किताबें बनाते हैं, चाहे वो साइंस की हो, गणित की हो या इंग्लिश की हो, उसके साथ साथ जनरल सब्जेक्ट जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर साइंस या GK, उनकी किताबें भी आती हैं। ये किताबें 12 से 13 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती हैं, साथ ही साथ हम 13 भारत में जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनकी किताबें बनाते हैं। 5 तारीख को आपने, मैं पीछे देख सकता हूँ कि डिज्नी लर्निंग प्रोग्राम में लॉन्च किया था, तो इस प्रोग्राम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो इस साल हमने डिज्नी के साथ कोलैबोरेट किया है और डिज्नी के जो कैरेक्टर्स हम पहले TV में देखते थे, उन कैरेक्टर्स को हमने बुक्स में बच्चों के लिए लेकर आए हैं। ये हमने प्री प्राइमरी सेगमेंट के लिए लॉन्च किया है। डिज्नी के कैरेक्टर्स के लाइसेंसिंग के साथ हमने 29 किताबें निकाली हैं बच्चों के लिए, जो कि नर्सरी, KG और UKG के बच्चे इनको पढ़ पाएंगे। जिन कैरेक्टर्स को बच्चे TV पर देखते थे, चाहे मिक्की माउस हो, मिनी माउस हो या मोगली हो, कैरेक्टर्स बता दिए थे, वो कैरेक्टर्स अब वो अपनी बुक्स में देख पाएंगे। तो मतलब आपने सारे मतलब बुक्स में ही रखा है या कुछ मतलब कुछ वीडियो टाइप का या कुछ CD वगैरह से कुछ रखा? ये सारे कैरेक्टर्स बुक्स में हैं, वीडियो तो डिज्नी पे वो अक्सर देखते ही होंगे, डिज्नी के कार्टून जो वो बच्चे देखते थे उनको वही जो डिज्नी के कैरेक्टर्स हैं अपनी बुक्स में देखेंगे, चाहे वो पेंटिंग करते थे, रुपेंजल को देख सकते हैं, मिक्की के साथ पढ़ सकते हैं। मतलब आपने एक तरह मतलब बच्चों का मतलब ध्यान मतलब आकर्षित करने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपने ये मतलब बुक्स की मतलब ये पिक्चर्स वगैरह मतलब बनाई। अगर आपको एक अगर बुक दिखाऊं, इस मतलब इन बुक के अंदर मतलब ऐसी खासियत क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन सी बुक है ये? पिक्चर डिक्शनरी है। तो डिज्नी के जो भी कैरेक्टर्स, फेमस कैरेक्टर्स हैं, वो सारे इस पिक्चर डिक्शनरी का पार्ट है। अब बच्चा अगर कुछ सीखना चाह रहा है तो वो सीखने के साथ साथ उसको एक अपनापन सा लगेगा कि बच्चे ने ये कैरेक्टर्स पहले ही TV पर देखे हैं, अब इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ बच्चा किताब में भी इनको देख के पढ़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बुक में मतलब डिज्नी के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जैसे छोटे बच्चे हमेशा मतलब चीज़ों को अपने कनेक्ट करने के लिए ये बुक्स के लिए मतलब इंटरेक्टिव बनाया गया है। इसमें हर जो छोटे बच्चे जो अपने TV पर जो प्रोग्राम देखते हैं उनके बारे में, मिक्की माउस हो गया, जैसे टॉम एंड जेरी हो गया वगैरह वगैरह, सारे मतलब डिज्नी से रिलेटेड रहते हैं। हाँ, सारे प्रोग्राम्स आपने इसमें कर रखे हैं, जैसे मोगली, लायन किंग आई थी, लायन किंग रीसेंट मूवी उनकी, तो लायन किंग से लायन आप देख लीजिए, फ्रोजन उनकी एक मूवी आई थी, तो फ्रोजन के कैरेक्टर्स इस मूवी इस किताब के अंदर बच्चों को मिलेंगे। इस बुक की मतलब ऐसे मतलब खूबी क्या मतलब ऐसे मतलब नया क्या है जो मतलब बच्चों मतलब इसको पढ़ें मतलब इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि आजकल के हम देख रहे हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे भी हैं चाहे बड़े हों, वो मतलब TV पे या YouTube पे देख लेते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ने का किसी टाइम नहीं होता। बुक्स में बच्चों का ध्यान बढ़ाने के लिए ही हम वो कैरेक्टर्स जो वो TV में देखते थे उन्हीं कैरेक्टर्स को हम बुक्स में लेकर आए हैं, ताकि बच्चा उन कैरेक्टर्स को देखे और उनके साथ वो पढ़ाई में ध्यान दे और उनके साथ साथ कोई एक्टिविटी करे किताब के अंदर, चाहे वो पेंटिंग कर रहा हो, चाहे वो ABCD पढ़ रहा हो, चाहे वो फोनिक्स पढ़ रहा हो या अपनी मैथ्स कर रहा हो, तो डिज्नी के कैरेक्टर्स के साथ उसको एक एंटरटेनमेंट सा लगेगा, किताब पढ़ना उसको और भी मजा आएगा। जैसे कि मैं देखें यहाँ पे कुछ मतलब 11th 12th साइंस के मतलब PCM से रिलेटेड बुक्स भी मैं देख सकता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल, मतलब आपने उस लेवल की मतलब बुक्स भी यहाँ पे रखी है। हमारी जो बुक्स हैं वो 11th एंड 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं,
तो हमारे स्ट्रीम क्या है? ओनली साइंस। कॉमर्स स्ट्रीम भी है, साइंस भी है और आर्ट्स भी है, जिसमें से फेमस हमारी साइंस स्ट्रीम की किताबें कुछ यहाँ पर हमने रखी हुई हैं। ये हर एक बच्चा जो भी 11th 12th में होता है तो मैक्सिमम बच्चों की चॉइस मॉडर्न ABC ऑफ केमिस्ट्री या मॉडर्न ABC ऑफ फिजिक्स या मॉडर्न ABC ऑफ बायो ये रहती है। साथ ही साथ हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बुक करते हैं अंडर मॉडर्न ब्रांड, और वो नीट और JEE मेंस के लिए किताबें भी करते हैं। तो किस किस मतलब ऑथर्स के और किस पब्लिकेशन के मतलब बुक्स अभी यहाँ पे मतलब स्टॉल मौजूद हैं? सारा जो भी बुक्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे MBD ग्रुप पब्लिकेशन के अंडर ही आते हैं। उसके अंदर होली फेथ इंटरनेशनल एक ब्रांड है, मॉडर्न पब्लिशर एक दूसरा ब्रांड है और MBD एक ब्रांड है, उनकी किताबें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये सारी की सारी कंपनी MBD के प्रोडक्ट्स ही आपको इस स्टॉल में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि मतलब हर वर्ग के हर उम्र के बच्चों के यहाँ से मतलब बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो कॉमिक्स हों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हों, चाहे किसी भी हायर एजुकेशन के हों या लोअर एजुकेशन के, सारी बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं। और छोटे छोटे बच्चे मतलब काफ़ी इन बुकों से अपने आप को कनेक्ट करते हैं।